किसानों को उनकी उपज का बेहतर भाव दिलाने में किसी भी जगह की मंडी की अहम भूमिका होती है, लेकिन कानपुर के इस इलाके में किसान अपनी उपज को बेचने के लिए मंडी से ज्यादा निजी व्यापारियों और ट्रेडर्स पे भरोसा कर रहे हैं। कानपुर शहर से बाहर निकलते ही आप नौबस्ता मंडी से रूबरू होंगे, जिसके बारे में यहाँ के अधिकारियों का दावा है कि इससे उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व हासिल होता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये मंडी न केवल प्राइमरी बल्कि सेकेंडरी स्रोतों के लिए भी सबसे बड़ी मंडी है। आसपास की छोटी छोटी कई मंडियों के अलावा बुंदेलखंड और कनाडा से आने वाली दालों का ये सबसे प्रमुख केंद्र है, और यहाँ तक कि राजस्थान और मध्य प्रदेश से आने वाले बड़े बड़े कंसाइनमेंट भी यहाँ की आमदनी का बहुत बड़ा स्रोत हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है कि इस मंडी में वो किसान नदारद हैं जिनके हितों की सुरक्षा के लिए ये पूरा तामझाम खड़ा किया गया है। मंडी है, गल्ला मंडी है, लेकिन यहाँ जो है कोई गल्ला मंडी जो ले जाता है तो लोग बनाते लेते नहीं है, और लेते हैं तो बहुत जो है गांठी काटते हैं। और भाव जो है 1000 के जो है 1100 का जो है खोलर दें, और इमें यहाँ जो है तमाम अर्दा करदा ओदी गीली सब काट के उसका जो है आधो कर दिया। अच्छा। और जो उन व्यापारी फिट हैं उनसे उनका माल खरीदे थे। मंडियों में किसानों के न जाने के जो कारण किसान और व्यापारी बताते हैं, इनमें कुछ बुनियादी ढांचे से जुड़े हैं तो कुछ ऐसे गंभीर आरोप हैं जो आपराधिक भ्रष्टाचार के दायरे में आते हैं। लेकिन क्योंकि हम स्वतंत्र सूत्रों से इन आरोपों की पुष्टि नहीं कर सके, इसलिए हम इसके मूल कारणों की जांच की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन पर छोड़ते हैं। अलबत्ता हम आपको वस्तु स्थिति से जरूर अवगत कराएंगे। मंडी न जा सकने के कारण इस इलाके के किसान अपनी धान और गेहूं की उपज निजी मिलों को बेचने के लिए मजबूर हैं। यहां उनके पास न मोल भाव की सहूलियत है और न ही बाजार के विकल्प की। तो है एक छोटा सा कारखाना यहां पे है, वो उसी में जा करके बेचते हैं, जो औने पौने दाम में बिकता उसी से हम लोग काम गुजारा करते हैं। मंडी नौबस्ता में है, वहाँ पर ले जाओ तो वो लोग जो कहते हैं गीला है, इसमें कचरा है, ये वो वापस कर देते हैं, तब हम लोगों को दोबारा खर्चा उसका ट्रैक्टर का खर्चा देना पड़ता है। हमने जो है महीन वाला बोया था, और ये धान जो है बाजार में इसका चावल बहुत महंगा बिकता है, मगर जो है यहाँ मिल ले जाओ तो सबका एक ही रेट लगाते हैं, वही 10-1050, और चावल इसका बिक रहा है इस समय 3500-3600। इसलिए जो है लगा है कि वहाँ देंगे जाकर तो 10-1050 में बिकेगा। अब इसको जो है हम ही जो है मिल ले जाके कुटाएंगे, फिर बाजार में जो है इसको यही प्राइवेट बाजार में इसको बेचेंगे। चावल जो लेवी गवर्नमेंट की है उससे मिल वालों की सेटिंग होती है, क्योंकि पर साल हमने जो है ना पेपरबाजी भी करवाई थी, तो जो है अंत में जो शुक्ला जी हैं यहाँ के ना अधिकारी, तो उन्होंने हाथ जोड़ के हमसे कहा भाई जो है हम लोग मिल से ही लेते हैं, मिल ही में आप जाके धान दो। तब से ना जो है मिले वहाँ पे गल्ला मंडी जाना ही बंद कर दिया। धान न आने की वजह है कि आसपास लोकल में 10-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर यहाँ लोकल मिले लगी हैं, तो ज़्यादातर मिल पॉइंट में धान जाता है। यहाँ जो धान आता है तो अकाउंट पे इस चेक की वजह से कोई धान यहाँ न लाता है मंडी में, और कुछ दिक्कतें आती हैं। मंडी में भाव नहीं मिलेगा किसान के यहाँ, मिल में भाव उसको सही मिल जाता है, उसकी वजह है कि मंडी से जो मिलर ले जाएगा उसको भाड़ा लगेगा, आड़त लगेगी, तुलाई लगेगी, और वहाँ डायरेक्ट यदि किसान पहुँच गया तो उसका वो ले लेते हैं और उसको वो पेमेंट करते हैं। किसानों और मंडी के व्यापारियों की बात सुनने के बाद ये समझना और कठिन हो गया है कि आखिर मंडी में किसानों का नहीं पहुँचना उसका भला कर रहा है या बुरा। उस पर मिलों का दावा सुनने से तो यही लगने लगता है कि ये मिलें किसान के लिए उपज अच्छे भाव पर बिकने का भरोसा है। 25 से 30 किलोमीटर आसपास के एरिया के धान आते हैं, और यहाँ ज़्यादातर तीन वैरायटी के धान हैं, एक बोलते हैं उसको हाइब्रिड, और दूसरा होता है एक राधिका और सरबती। कम से कम 1450 रुपये रेट है कामन का। अब उस जैसे सरबती है तो और ऊपर हो जाती है, ज़्यादातर किसानों से हो जाता है, जब नहीं होता तो फिर मंडी से ट्रेडिंग होती है। कुल मिलाकर हमें यही लगा कि किसानों का कोई संगठन तो है नहीं कि वो अपनी उपज के अच्छे भाव के लिए सौदेबाजी कर सके। मंडी में कई अनियमितताएं हैं, ऐसे में वो मिल पर अपनी उपज बेचकर झंझट से बचना चाहते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि मंडी की नीलामी प्रक्रिया में शामिल न होने से किसानों को उपज का सही भाव पता नहीं चल पाता। ऐसे में किसानों के लिए मुनाफाखोरों
और जालसाजों से बच पाना बड़ी चुनौती साबित होती है। अपना माल लेकर जाते हैं, उनको दिखाते हैं कि साहब हमारे पास ये माल है, देखिए, तो कौन भाव बताया उसी भाव में बेच देते हैं। तो सब तरह के माल का एक ही तरह का भाव नहीं, भाव अलग अलग है, मोटे पतले का अलग है और गीला उदे का अलग अलग हिसाब है। हाँ, लेकिन बाजार में क्या भाव मिल रहा है ये आपको पता होता है? ये नहीं मालूम पाता है। तो कैसे यहाँ भाव तय होता है, वो जो बता देते हैं? जो वो बताता है, पर समझ में आया तो देते, नहीं रख लेते। जब कोई व्यापारी आया यहाँ पर भाव किया तब समझ पाते हैं कि भाव का ले रहा है, तब फिर उसको बाद में देते हैं। व्यापारी आता है तो कहता है कि इस भाव के लेंगे 1100 के, 1100 के मांग गया है सुबह, हमको नहीं देंगे, तो कहता है नहीं दोगे दरे रखो, और मिल ले जाओ तो 1000 के लगाते हैं, और मंडी ले जाओ तो मंडी में देते लेते नहीं है। मंडी में नगद भुगतान न होने से भी किसान मंडी में अपना माल बेचना नहीं चाहता। सरकारी चेक पर किसान का भरोसा अब तक नहीं बन पाया है। मेन कारण यही है कि किसानों को अपनी कृषि उपज का मूल किसी आवश्यकता के हिसाब से वो बेचता है और यहाँ चेक मिल जाती है उसको, इसलिए यहाँ कम आते हैं। किसान ये चाहता है कि जो भी अपना माल ले जाए हमको वहाँ नगद पैसा भुगतान हो जाए, जिससे हम आगे का अपना कार्य कर सकें, इसलिए यहाँ अराइवल कम आ रही है। लेकिन चेक में क्या समस्या है? चेक में समस्याएं हैं कि चेक वो सोचते हैं हम बैंक में लगावाएंगे, भुगतान कब होगा कब नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए किसान कम आते हैं कांटों पे माल लेके। इसलिए लोकल की मंडियों में वो अपना औने पौने में माल वितरित कर देते हैं, वहाँ बिक्री कर लेते हैं। यदि सरकार इस ओर ध्यान दे दे कि कांटों पे उनको नगद भुगतान होने लगे तो किसानों का माल कांटों पे आने लगेगा। किसान इसी तरह की मुश्किलों में फंसकर अपनी उपज का बेहतर भाव नहीं हासिल कर पाता। धान और गेहूं का सरकार ने भले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर रखा है, लेकिन कानपुर की नौबस्ता मंडी में किसानों को ये मूल्य भी मिलने का भरोसा नहीं है। जबकि किसान ये भी बताते हैं कि मंडी को सरकारी लक्ष्य पूरा करने के लिए आखिर में मिलों से धान खरीदना पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि मुनाफे का गणित कारोबारी के लिहाज से ही सही होगा। सरकार ने 67 किलो की रिकवरी जो तय कर रखी है, वो किसान से जो हम लोग धान मतलब देती है सरकार, उसमें 62-63 किलो चावल बैठता है, और इसके बाद उसमें टूटन भी होती है। टूटन में 25% गवर्नमेंट को चाहिए, उसमें 5-7 किलो तो कंडा मिल वाले निकल जाता है, उसमें सारा जो भी है मतलब कहने का मिल वाले को लॉस ही होता है, 5 किलो तो उसको अपने पास से देना पड़ जाता है। कानपुर की नौबस्ता मंडी किसानों के लिहाज से अपनी उपज का अच्छा भाव मिलने की जगह से ज्यादा परेशानियों का अड्डा है। कुछ एक किसानों ने तो ये तक बताया कि मंडी के उड़न दस्ते अक्सर मंडी से जा रहे किसानों की ट्रॉली जब्त कर लेते हैं, इस आरोप के साथ कि वे बिका हुआ माल लेकर वापस जा रहे हैं, जो कि APMC एक्ट के तहत कानूनन अवैध है। हालांकि इस बात को कैमरे पर बताने के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ। बहरहाल वस्तु स्थिति जो भी हो, इतना तो तय है कि कानपुर के इस क्षेत्र में किसान मंडी के फायदों से वंचित हैं, और ऐसे में उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासनिक हस्तक्षेप जरूरी है। धान की कटाई के लिहाज से दिसंबर का महीना पीक सीजन माना जाता है, लेकिन एक प्रमुख धान क्षेत्र के बीच में स्थित कानपुर की यह नौबस्ता मंडी इस समय धान से खाली है। कारण यह है कि यहाँ का किसान अपने धान को इस मंडी में लाने के बजाय बाहर ही कहीं बेचना मुनासिब समझता है। मंडी अधिकारियों का कहना है कि किसान ऐसा अपनी सहूलियत के लिहाज से करता है, जबकि किसानों का ये कहना है कि मंडी की नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। सच्चाई जो भी हो, लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि कानपुर का अन्नदाता अपना हक वंचित हो जाता है, अपने हक से उसका हक मारा जा रहा है और उसको अपने धान के लिए सही कीमत नहीं मिल पा रही है। मंडी.com के लिए कानपुर के नौबस्ता मंडी से अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर।